सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन अतुलित बलधामं हेम शैलाम्भदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानीनां अग्रगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरता गज राम राम श्रीराम राम रण कर कश राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। गुरु महाराज की कृपा चाहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात
परब्रह्म। अंतिम जो उसका एक श्लोक और है, त्वमेव माता च पिता, गुरु के लिए कहा तू मेरी माँ भी है, गुरु माँ भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देवम। एक बार गुरु जी के लिए हाथ जोड़ दीजिए, ओम गुरुदेवाय नमः। उस परम पिता परमात्मा से ये विनती की है कि मेरी विनती सुनो हे राम। क्योंकि मेरे मन में केवल मात्र राम बसे हुए, राम ही तन में राम नयन में, राम ही मेरे मन दर्पण में। और मैं बेटी, मेरे पास बेटियां दो बैठी हैं, सान्या बहुत अच्छी कलाकार है, मन्नत सब जानते हैं, तो प्रारंभ जो है ना सान्या से करने जा रहे हैं, विनती करते हैं, सबने पीछे बोलना है।
प्रभु अपना भूमि जब साक्षी बनाया प्रभु अपना कृपा नाथ जी को बता गया क्या यही विधि नाथ हो हित मोरा नारद जी की चौपाई बजा गई ते दे विधि नाथ ओए हित मोरा और सारे मुँह देगी दास में तोरा हुई जब हाथ में अब हाथ में हमारे आज राम आए हैं ना और क्या करना है हमने आप कह रहे थे फूल बरसाने वो तो बरसाएंगे हम सजा दो घर को गुलशन सा ये पीछे वाले भैया थोड़ा कुर्सियां आगे कर लेना तब आनंद बनेगा आप तो बहुत पीछे हो गए थोड़े कुर्सियां आगे कर लीजिए मेरे को अपनी साउंड नहीं सुन रही हेलो हेलो अब ठीक हो गया बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी कब किस्मत तुम्हारी बदलेगी जब राम जी के चरणों में आओगे आज राम प्रकट हुए हैं बदल जाए बदल सब पहचान के सब जानते हैं क्या है बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी कभी राम के दर पे आके तो दे अरे भैया राम शरण में राम राम ही होती है तो आइए ना बदल जाए किस मत बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी
कभी राम के दर के दर पे आके तो देख, कहने की जुबान से जरूरत नहीं, कभी अपनी झोली फैला के तो देख, निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, रघुवर को मांझी बना के तो देख, बड़ा ही दयालु है वो अयोध्या वाला, कभी तुम उसे आजमा के तो कभी तुम मुझे आजमा के। भगवान कहते हैं भैया मेरे तरफ एक कदम बढ़ के तो देखो, आज सजा लीजिए और कोई शख्स ऐसा ना रहे जो ताली ना लगाए। और
जब राम जी आ गए तो भील भी क्या कह रही है, मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो ही भजन गाए जो ना आज राम मेरे घर आए। हाँ जी, ऊंचे बागा वाली आज राम मेरे घर आए। टाइम वाली प्रॉब्लम है जी, संत सर रात को जो लॉब शुरू हो गया पर 8:30 से पहले मैंने नहीं उठने देना किसी को, भैया सीधी बात है 8:30 तक तो चलेगा ना। हाँ ठीक, अपन तो बैठे ही हैं, जिन्हें जाना खाना खा लवे। हाँ खाना 8:15 का। हेलो हेलो, सहदेवा साहब ने टाइम दिया 8:15 का। मैंने कहा सहदेवा साहब 8:15 नहीं, अस्त 15 मिनट और लवेंगे। वो कहते जितना मर्जी टाइम लो, फिर गाल ही खत्म। राम जी आए हैं तो कमाल है, रोटियां तो सारी उम्र खानी है। हम लोग घर के हैं, आपके घर के। एक शब्द है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। ये फाजिलका के जो लड़के हैं ना, यात्रा को दूर दूर से जागरण करके आते हैं। मैं अपनी बात, यहाँ की जागरण पार्टी फाजिलका की, दूर दूर जागरण करने जा रहे हैं। और आपका दास कहाँ कहाँ नहीं जाता, आप सब लोग जानते हैं। कौन डिंपू को नहीं जानता, तो कौन आशीष को नहीं जानता, कौन रघुनंदन को नहीं जानता। अभी रघुनंदन की जो भजन आया ना, राम आएंगे सुनाएंगे आपका। मेरे कहने का मतलब है, राम जी चाहते हैं तो देखो जी हम गा लेते हैं। देखो राम की कृपा है और आज राम मेरे घर आए, आशीष जी गा रहे हैं। तो आवाज उठी करो। देखो कॉर्डलेस देखो। हेलो हेलो, लगना नहीं सर, इसी को बढ़ा लो सर, इसी को बढ़ा लो। प्यारी
बच्चा मेरे पास बैठा हुआ मेरा बेटा, वो तो कहते आ ही गए हैं राम, आने वाले नहीं आ गए हैं। और इसकी कैसेट जो रिलीज हुई है, डायरेक्टर साहब भी डिप्पू साहब बैठा है इसके एडिट स्टूडियो में हुई है, सब ने सहायता की है, उसमें सितार मैंने भी बजाई है, बंसी इसने बजाई है, तो यो ही भजन मैं कह रहा हूँ। साधु जो जवान था, अरे कहां के राम कहां आने वाले हैं, और एक उसमें समझदार था, अरे तुम नहीं जानते इसमें गुरु कह के गए और राम आएंगे। उसी वक्त क्या हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचा मैया, हमको भीलनी मैया के दर्शन करने हैं, हमको भीलनी मैया के दर्शन करने हैं, आप कौन? मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरा भैया लक्ष्मण। बस फिर क्या था, सब कहानी जानते हैं, चरणों में पड़ गई और कहते हैं कि जल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पांव पखारे करेंगे, कहते जल लाओ, राम जी कहने लगे नहीं मैया, तुम्हारे आंखों से जो जल निकला है ना, बस मेरा पांव मैं गदगद हो गया, क्योंकि तुम्हारे गुरु कह के गए थे, गुरु ने ब्रह्मा मैंने पहले कहा त्वमेव शरणं मत सब, भगवान राम को खींच के ले गई, भगवान कहने लगे मैया भूख लगी,
अरे मैंने तो पहले ही मीठे मीठे बेल रखे हुए हैं और चख के रखे हुए, ये खाओ राम जी, ये खाओ राम जी, ये खाओ। और मुझे मेरे गुरु कह के गए थे, मेरे गुरु कह के गए थे कि नम्रता भक्ति कही है और प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, ये व्यक्ति नहीं है, ये संत है, ये सब संत बैठे हुए हैं, ये स्वीति नहीं है, ये तो संत का रूप बैठा हुआ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि मुझे विश्वास था क्या कोई माने या न माने मेरा मन माने, कोई माने या न माने मेरा मन माने। मेरी कुटिया के भाग, कुटिया के भाग, we'll be right back.
बच्चों को भेंट आई है, दे दीजिए 8:30 ठीक है। तो क्या राम जी आ गए, तो फिर राम जी अगर आ गए तो राम का नाम लिया तो बात नहीं बनेगी, बाद में करेंगे। फिर क्या होगा, शारदा से राम नाम गालो, शारदा से राम नाम गालो, गालो गालो शारदा से राम नाम गालो। एक बार हाथ ऊपर करके हाथ हाजिर कर दीजिए, वो पीछे पीछे वाले, शारदा से राम नाम गालो, आश्रम के प्रधान श्री दीनानाथ जी से देवा से आग्रह करूंगा कि वो हमारी जो भजन मंडली, गीत मंडली और जो भाई बहन इस मौके पे आए हैं उनका धन्यवाद करेंगे हमारे प्रधान जी दीनानाथ जी से देवा। श्री राम गुरुदेव की कृपा से आज सायं 7 से 8:15 बजे तक जो पावन संध्या में श्री राम नाम का संकीर्तन हुआ उसका कोटि कोटि धन्यवाद है। जो भी भाई बहन जिस भी मंगल भावना को लेकर दरबार में आए हैं उनकी मंगल भावना पूर्ण हो। श्री राम हर एक के दिलों में बसे, हर एक के घर में बसे और अयोध्या नगरी में जो हिंदू समाज को एक नई दिशा मिली है उसको देखते हुए सभी अपने मन में राम नाम का जाप करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि ऐसे अवसर हमेशा आते रहें, ऐसा कोई भी अवसर ना आए जिसमें हम किसी के प्रतिबंध हिंदू प्रतिबंध हो, सो सभी आनंदित रहें, सभी प्रफुल्लित रहें और दूसरों के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है कि सभी खुशी से रहें। आज आदरणीय श्री कृष्ण जी मास्टर जी यहाँ पर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके साथ हर्ष दीपू जी आए उनका बहुत धन्यवाद है, उनके साथ अनन्या और मान्या बेटियाँ आई उनका भी बहुत धन्यवाद है। श्री आशु जी जो कि हमारे बीच में ही हैं वो आए और श्री रघुनंदन जी आए और तबला मास्टर वगैरह आए जो भी आए उन सब का धन्यवाद है। अब 2 मिनट के लिए एक स्मृति चिन्ह सुशील जी बोलेंगे वो उसके बाद अगर किसी ने बैठना हो तो मास्टर जी 5-7 मिनट बोल लेंगे। मास्टर जी कहते हैं मैं जाते जाते एक बार सभी को नचाना है और उससे पहले मैं श्री राम शरणम की जो मर्यादा है उसके मुताबिक जो भी हमारे गेस्ट जो भी इधर आज संगीत मंडली आई है उनको सम्मानित किया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रधान जी से कि वो मास्टर कृष्ण जी शान जो आज के इस समागम के हीरो हैं उनको सम्मानित करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः जय श्री राम जी। अज श्री राम सरनम आश्रम फाजिलका दे अंदर 500 साल का, क्योंकि बड़ा लंबा इतिहास हैगा, साडे पूर्वजां ने मंदिर टुटदे वेखे ने, असी बड़े खुश नसीब हैगे हैं कि असी मंदिर बंदा वेख्या जी। सो कल पूरे विश्व के अंदर जो दीपमाला होनी है, उनकी पूर्व संध्या से श्री राम सरनम आश्रम फाजिलका दे अंदर अज भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया है। जो कार्यक्रम कल सारे विश्व च है,
वह भी रामशरम च कल होएगा, लेकिन अज असी उनकी पूर्व संध्या से भजन संध्या का आयोजन किया गया ताकि लोग हुने नाल ही उस राम नाम के अंदर मगन हो जाए। जिमें कि गुरबाणी च भी लिखा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो असी हुने तो ही उन्होंने नाम की खुमारी दे देनी है ताकि कल तक उन्होंने नशा जोड़ा है भगवान राम के प्रति टुटे ना, तो उन्होंने मस्ती रहन जी। उस उपलक्ष्य के अंदर अज भजन संध्या का कार्यक्रम है, संगत वास्ते लंगर का कार्यक्रम किया गया है। यह सारा दीपमाला जो तुम देख रहे हो यह सारी की सारी जड़ी है यह संगत वालों की गई। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी बहुत दिनों तो वेट सी, इतना अच्छा लग रहा है, बस शब्द नहीं है कैसे मतलब कहूँ, कैसे क्या कहूँ। बस बहुत धन्यवाद राम जी, आज आप हमारे आश्रम में पधार के हमें गदगद कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इस रामचरणम के जरिए हम सब लोग उस राम जी का सब कुछ देख रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। रामचरणम इतना अच्छा नज़ारा है, देखो हर जगह जगमग हो रही है, इसकी ओर से ही हमें सब कुछ बहुत कुछ मिल रहा है राम जी। और बहुत सालों से हम इस रामचरणम में आ रहे हैं और आज हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आज रामचरणम आश्रम 22 जनवरी के उपलक्ष्य में दीपमाला की जा रही है और एक बहुत बढ़िया उपराला है रामचरणम आश्रम वालों, क्योंकि जी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस संबंध में यह सारा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। सानू बहुत खुशी है इस गल की, जो सा फाइल का राम में हो गया इस प्रभु राम दे राम। मेरा नाम अशोक कुमार। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर पहुंचे, राम शरण मंदिर पहुंचे, लख लख बधाइया सारियां, देशवासियां, फाजिलका वासियां। किस तरह तुहानू लग रहा है अज इत्थे आके राम शरण दे विच? बड़ा ही वधिया लग रहा, राम जी आए ने, बड़ा ही वधिया लग रहा। हाँ जी सर। मैं मौला राम शरणम दे सेवक दे वल्लों बोल रहा जी। एक्चुअली हम साडे गुरु जी ने कहा जिहड़ा 22 तरीक तक प्रोग्राम सारी पूरे हिंदुस्तान से बना रहे, जो मतलब ना सारे पहुँच सकते, नाले लंगर पानी की सेवा पूरी चल रही है जी, नाले सारा सत्संग चल रहा है, एक घंटे का सत्संग है और उस बाद लंगर पानी तो सारे सहयोग नाल सारा ये बहुत वही काम हो रहा है। जो 500 साल बाद श्री राम भगवान जा रहे, इस उपलक्ष सारा प्रोग्राम चल रहा है गुआने को। आज इतने आनंद का अनुभव हुआ है कि रामचरणम में जो ये भगवान का प्रकट दिवस मनाया गया ना, उसके आनंद का पारावार नहीं है। राम आएंगे मेरी कुटिया के भाग्य जगाने आएंगे, और क्या श्रद्धा से राम नाम गालो। अगर श्रद्धा से राम नाम नहीं गाते तो राम तुम्हारे अंदर बसे हुए उसके लेकर इतना आनंद आया जी। और रामचरणम में गुरु महाराज की कृपा से ये जो आनंद आज बना है ना, ये तो गुरु की कृपा से बना है और राम जी की कृपा से बना है, और आप सभी लोग आए हो और उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको गुरु मेरी तरफ से और रामचरणम की तरफ से आनंद देते हैं, आनंद लेते हैं। और जी रघुनंदन, क्या कहोगे आप? पहले तो सभी राम भक्तों को राम जी के पावन अयोध्या आगमन पे लाख लाख बधाई, और उसी के उपलक्ष्य में हमने एक बधाई उत्सव आज फाजिलका के इस पावन पवित्र प्रांगण में रामचरणम का जो प्रांगण है जो कि सदियों से चलता आ रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से, उस पे आज हमें गाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने गुरु जी के सानिध्य में मैंने गुरु जी का साथ किया, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो सभी को मैं यही बधाई देता हूँ कि राम जी के अयोध्या आने पे सभी को लाख लाख बधाई हो। श्री राम जी बहुत अच्छा लग गया, बड़ी खुशी का माहौल है और सारे पासे ऐसा लगता है कि जिवें दीपक की जगह पे ने राम जी के आगमन का, और बहुत बहुत मुबारक सारे नू राम जी आ रहे ने। कल मैं फिर भी सारे नू रिक्वेस्ट करांगा कि अपने घर के बाहर जिन्ने मैक्सिमम दीपक जगाए जा सकते ने वह जगाए जा, ताकि उन्होंने आन का जो दीपक है वह सारे पासे जगमगाता रहे। जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम दे आन दी खुशी दे विच असी म्यूजिक ते असी संगीत नाल साडा दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट शांत हो गया बहुत टाइम तो सानू ए सी
भी म्यूजिक नाल गुरु जी ने सानू बहुत टाइम तो सानू गाइड किया, अज गुरु जी नू सुन के बहुत दिल खुश होया साडा। बस जी, बस मैं इन्ना ही कहूंगा। भगवान राम दे आगमन ते की कहो? भगवान राम जा आगमन है जड़ा ओ एक इतिहास है साडे वास्ते, आने वाले टाइम च इतिहास रचिया जा रहा है उनके वास्ते, जड़ी असी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ इन्ना ही है भी भगवान राम दे आन दी खुशी दे विच सारी दुनिया नू ए कहना चाहिदा है कि भी अज नवी दिवाली एक उच्चा भागा वाली, अज राम मेरे घर आए, मेरी कुटिया दे भाग जगाए, अज राम मेरे घर आए, हो उच्चिया भागा वाली, आना तेरी दे भाग जगाए, हो राम मेरे घर आए। आरबी लाइव वाले दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करांगा, इन्हां दा इक्को रेसी सारा काम है। आरबी लाइव वाले जो भी कदों किसी ने याद करना होवे साडे फाजिलका च नहीं देश विदेशां च, आरबी लाइव जींदी रहे वसदी रहे, राम जी दी कृपा तो राम जी दी कृपा भरपूर भरपूर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू।